गोहाना के कासंडी गांव में आग लगने का एक अजीबोगरीब मामला आज देखने को मिला। बताया जा रहा है कि गांव के क्रमवीर पुत्र धर्म सिंह के यहां कई दिनों से अलग अलग ढंग से लगातार आग लग रही है, लेकिन आग किन कारणों से लग रही है इसका आज तक पता नहीं चल पाया। परिवार के अनुसार कभी घर के मुहाने पर नींबू में चार सींक लगी मिलती हैं, तो कभी घर के दरवाजे पर केमिकल टपकने लगता है, कभी घर के दरवाजे पर टोटका हुआ मिलता है, तो कभी रोटियों के लिए गूथे गए आटे पर चेहरा बन जाता है, कभी परिवार के बेटे की मारक सीट में आग लग जाती है, तो कभी चारपाई पर कपड़ों के साथ शराब का पौवा रखा मिलता है और बाद में चारपाई में आग लग जाती है। परिवार द्वारा रात रात भर जागकर आरोपी को पकड़ने के सारे प्रयास विफल हो चुके हैं, लेकिन घर में रह रहकर आग लग रही है। जगत महान न्यूज की टीम आज जब कासंडी गांव पहुंची, तो फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के कार्य में लगी थी। फायर कर्मी ने बताया कि आग लगने की सूचना पर वे यहां पहुंचे हैं और आग बुझाई गई है। उन्होंने बताया कि अन्य सामान के साथ गेहूं से भरे ठेकों में भी आग लगी हुई थी। घर में चारों ओर धुएं की तीखी गंध के साथ जला हुआ सामान बिखरा पड़ा था। आपने ये आग लगने के पता चला और आज आपने आग बुझाई भी है, तो क्या मामला था आपको? ये जी, हम तो फायर ब्रिगेड से सूचना मिली थी, यहाँ उस कासंडी गांव में आग लग रही है। अच्छा, यहाँ आगे देखा तो गेहूं के ये ड्राम थे, आग लग रही थी। ड्राम गेहूं में भी आग लग रही? हाँ, गेहूं में लग रही है। चार बार लगी आज नहीं, हमारे पास तो एक ही बार मैसेज गया जी। क्या क्या आपको जला हुआ नजर आया? छोटा मोटा सामान था घर का, नुकसान काफी है जी। परिवार के मुखिया करमवीर ने बताया कि घर में लगातार अज्ञात कारणों से आग लग रही है। उन्होंने बताया कि कभी टूने होते हैं, कभी केमिकल आता है, कभी इधर आग लगती है तो कभी उधर, सारा जरूरत का सामान जल गया है। उन्होंने बताया कि करीब 5 लाख का नुकसान हो गया। उन्होंने सरकार से सहायता की अपील भी इस दौरान की। पीड़ित करमवीर ने कहा कि वे सामान्य गरीब किसान हैं, किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन किसी अज्ञात शत्रु ने उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण ना दिन में चैन है ना रात को। ये अज्ञात कारण से लगी है, ना हो गया इसने, कदे टूने हो, कदे कुछ हो, कदे केमिकल आवा है मेरे घर में, कभी उधर आग लगा है, कभी इधर लगा है। आग कैसे लगी आपको कैसे पता चला? क्या धुआं निकला जी एकदम से, धुआं परले में बजान लाग रहे थे इतने मुरले में, तो धुआं निकला तो मिस्त्री भाग गया, वो उधर लग गई भाई आग, फिर सारे हम इधर टूट पड़े। उसने हम धुमे ने उधर तो नहीं जान दिए, सारा घर डर गया, धुमे ने यहाँ से प्रवेश नहीं होने दिया बिस्तर, इतना धुआं था हम बिस्तर नहीं बढ़ने दिए, मारे गए बिना देखे मारे गए पानी। चार बार तो आग लगती है आज, आज चार बार। क्या क्या सामान जल गया, क्या क्या नुकसान हो गया जी? मेरे कुर्ते पजामे सब के, सूट वगैरह, कपड़े कड़ीर, कागज कट्टे वगैरह, अनाज, पंखा, मोटर तेरा के सामान, कार के कट्टे, सुंडिया पुंडिया सब कुछ पड़े थे जी। हाँ, कितना नुकसान हो गया? 5 लाख के करीब हो गया जी। कैसे गुजारा, कैसे होता गुजारा, कितनी होगा जी इस समय? कितने जमीन तो 5-4 किले जी। दुश्मनी के कारण हो रहा है, कोई भी करवा रहा हो। इस दौरान प्रत्यक्ष दर्शियों ने बताया कि दरवाजे के पास कभी नींबू मिलता है तो कभी चोहे, हड्डी, पतावे आदि के साथ केमिकल भी पड़ता है। तो मेरे सामने एकदम आग लगी, इस पर एक पेंट का पीस पाया नया, उसमें आग लग रही थी, उसके ऊपर पौवा दे रहा था दारू का, और मैं आया इसमें धुआं उठा, मैंने सोची मैं अंदर ये दूध वगैरह में से आ रहा था, रखा होगा, जाके देखा तो खाट में लगी। ये कोई तांत्रिक है जी, तांत्रिक विद्या है। हाँ, वैसे नहीं लग रही, उधर कभी इधर लग जाती, कभी उधर लग जाती है। हाँ, आज चौथी बार है ये। चार पाई पे पहले मिस्त्री काम करे थे, वो लेटे थे, वो उठ के चले गए थे, इस पर कुछ नहीं था। फिर इसके जब आग लगी था, जब इस पेंट का पीस पाया, इसके ऊपर पेंट दिरी नहीं, कपड़ा सिली सिलाई नहीं थी, और एक पौवा पाया दारू का। घर की महिला ने बताया कि हर शनिवार को इस तरह का सामान रखा मिलता है, रात भर जाग कर देखा लेकिन हमें कुछ दिखता नहीं। रोते हुए महिला ने कहा कि
कुछ भी जल जाए लेकिन हमारे बच्चों को बचा दो। उन्होंने कहा कि कोई केमिकल आता है। इस दौरान परिवार के एक सदस्य ने अपने फोन में किए गए टोटकों की तस्वीरें भी दिखाई। वाले दिन और जो चला रखी थी तेल की और 2:30 बजे हमने देख लिया था। फिर ऊपर तेने सोची घर के ला रहे होंगे, हम तो नहीं ला रहे, हम उठते डर गए तो फिर पड़ोसी भी बुलाया, हमने सारी गलते दिखाया तेने बोले इन्हें बू आया और आड़े गंगा जल का छीटा दे दो, कुछ नहीं हुआ। फिर हमने आग ला दी उसमें, वो जल गया, जला को ना आड़, फिर भी उन्हें पानी में गिर का आया हमें। अच्छा। और फिर थी, जल रही थी वो, जल कौन रही थी खींचे थे भी। अच्छा। और फिर अगले शनिवार ने फिर होया। अच्छा। अगले को होता है। हाँ, अगले शनिवार ने तो ये इस चौखट में भी और अगली में भी दोनों में होया। अगले शनिवार ने दोनों चौखट बंद कर रखी थी, कती लकड़ी नहीं सका हमें। फिर जो बेबले डे चक्कू कुछ कुछ आने लगे। किस पे सका? हमने किसी पे भी शक को ना, हमने लुक का देख लिया, सारी सार रात जग के बैठे हमें, आदमी कोई को नहीं आंदा। लेकिन यहाँ ये इस तरह की चीजें रखी मिलती हैं। हाँ, रख कती दरिया पाओ हमारे आगे ही दर जावे है, सांझ के भी दर जाए। तो 26 दिन हो लिए, रोज आवे है, रोजाना। हाँ, एतवार ने आग लगी थी भीतर ओबरे में, हम सारे सोवे थे, 2:30 बजे सारे चली मारते बाजे, हमने पुलिस द्वारा भी फोन करा। रात को दिन में? हाँ, रात को जब 2 बजे क्या लगा दिल और दौरा करा था, वो ने बोले हम कुछ नहीं कर सकते, नंबर दे दिया, इस नंबर पर फोन करो तुम्हें। गुड़का कट्टा सब कुछ जल गया, मतलब ये जो पैरन के कपड़े सारे जल गए। बड़का की आज भी आग लगी आपके? आज तो 5 बार लगी है, 4-5 बार लगी है। तो कैसे लगी आग? ये खाट देख लो, पौवा दर्जा है, कोई वो भी राय को ना पड़ता, हमने नुदू माए उठता दिखा, सारी खाट जल गई, सारे शोट जल गए, बड़का के कागज जल गए, मुँह पड़े देख लो, चाहे मुँह तेन कुछ धीमका, चाहे कुछ भी जल जाए, हमारे बड़का ने बचा दो। बच्चों को भी दिक्कत होती है? बच्चों के दोनों के हो गया, वो सांस नहीं आता, सांस को नहीं आता, दोनों के कागज फूक दिए, फोन भी, फोनों में भी तेल गाल दिया, के बीमारी है, फोन भी बंद कर दिए दोनों बालका के, फोन भी बंद। हाँ, फोन भी बंद कर दिए, कोई केमिकल आभर उस आग लग है, यारे खड़ा खड़ा बना दिया जी, यारे जन्म भी आवे है, जन्म उठवे भी आले, कल 4-5 बार आया जन्म भी, यहाँ कोटली आवा है, कोई गिड़ी सरसों पावा है, किसी में आटी पावा है, किसी में अर्जी की गांठ है, रुपया है ना, इस दौरान जगत महन न्यूज से बात करते हुए गांव के सरपंच संदीप सिंह ने बताया कि उन्हें भी इस घटना को देखकर आश्चर्य है। उन्होंने बताया कि तेज केमिकल का यूज किया जा रहा है, दोषी पकड़ में नहीं आ रहा, यह विचित्र घटना है, पुलिस ने भी अज्ञात शत्रु के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इनकी सहायता करते हुए यहां सीसीटीवी कैमरे लगाकर दोषी को पकड़ा जा सकता है, लेकिन ये लोग सारी रात जागे भी हैं, लेकिन दोषी पकड़ में नहीं आया। सरपंच संदीप ने कहा कि यह रहस्यमय सा मामला है, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। संदीप जी, ये आपके गांव में एक विचित्र सी घटना हुई है, ये कह रहे हैं कि यहां तंत्र विद्या के माध्यम से आग लग रही है, बार बार आग लग रही है, इस परिवार का बहुत ज्यादा नुकसान दिखाई दे रहा है जो हमारे कैमरे की नजर से हमने देखा, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? देखो, इस घटना के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि एक तो तेज केमिकल की स्मेल है जहां भी आग लगी है, एक दो जगह केमिकल भी मिला है, एक दो पौवा भी बता रहे हैं मिला है, फिर कुछ सामान भी गिरता है या गिरा है, तो इससे थोड़ा ये भी लगता है कि भाई कोई व्यक्ति सुनियोजित ढंग से इस काम को कर रहा है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा। लेकिन जैसा कि मतलब पता चला है कि भाई ये रात को भी जागे भी हैं, ये कई दिन से हो रही है इनके साथ घटना, तो इनकी पी पकड़ में नहीं आ पा रहा, तो इस बारे में बस विचित्रता ही कह सके हैं, बाकी इसके बारे में क्लियर कट कुछ नहीं कह सकते कि हो क्या रहा है। कोई इनका मतलब आपको लगता है कि भी कोई इनका दुश्मन या कोई मतलब इनका ना है? तो शरीफ आदमी है गांव के, बिल्कुल है, और कोई दुश्मनी का तो कोई मतलब है नहीं,
इनका तो किसी के साथ झगड़ा भी नहीं है, कोई थोड़ा मोटा भी झगड़ा हो तो इस तरह कुछ नहीं है। तो पुलिस कार्रवाई वगैरह इन्होंने, पुलिस आई थी वो सारे बयान लेगी, नुकसान जो है वो भी नोट कर लेगी, अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध जो है उनने मुकदमा दर्ज कर लिया है या कर लेगी, तो तब तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता जी। तो मतलब अभी प्रथम दृष्टया लग रहा है कि भी ये कोई तांत्रिक विद्या के माध्यम से ऐसा कुछ किया जा रहा है, किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा। देखो तंत्र विद्या वैसे आग लग रही है, देखो चीजों का पाया जाना जो है ना उससे थोड़ी शंका ये पैदा होती है, अब कोई व्यक्ति कर रहा है इसको जी, चाहे वो घर का हो या कोई भी हो, मतलब कोई व्यक्ति इसको अंजाम दे रहा है। हम क्लियर कट यू नहीं कह सकते तंत्र विद्या है, कोई अदृश्य विद्या है, तो फिर ये चीजों का मिलना, केमिकल का मिलना, स्मेल का आना, क्योंकि कई केमिकल ऐसे होते हैं मैं आज डाल दूं 6 घंटे बाद वो अपना रिएक्शन करेंगे जी, तो 6 घंटे बाद तो हमको यही लगेगा भाई एकदम आग लग गई या एकदम ऐसा हुआ। लेकिन इन्होंने जैसे बताया कि भी आटा इन्होंने गूंद के रखा है रोटी बनाने के लिए, उसके ऊपर अकस्मात एक चेहरा बन जाता है, तो ये मतलब इनके द्वारा तो बनाया नहीं गया, ऐसा क्या था? देखो जी अब ये तो क्योंकि जिसने देखा है या महसूस कराया है इस चीज को तो वो ही बता सकता है। अगर हमारे साथ ये घटना हो तो हम यूं महसूस करेंगे कि ऐसा कुछ है रोया, लेकिन दूसरा आदमी बता हुआ है तो हम उसकी बताई हुई मान सकते हैं, उसके अलावा तो क्या माने फिर जी। सरपंच साहब हाँ, इनको काफी नुकसान हुआ दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, भी जला है काफी, सामान भी मतलब काफी जला है इनका, तो आप क्या कहना चाहते हैं समाज को, सरकार को, मतलब किस तरीके से समाज इनकी हेल्प करे और किस तरीके से मतलब सरकार इनकी हेल्प करे और गांव तो करेगा ही। भाई देखो हेल्प की जो बात आती है ना, तो सर्वप्रथम तो यहाँ पे कैमरे वैमरे का अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि ये पता चले भाई कोई दीवार से कूदे है या कैसे करे है। हालांकि सारी रात जागे हैं तो ये भी नहीं कह सकते भाई, इन्होंने कोशिश भी करी है, रिकॉर्डिंग भी करने की कोशिश करी है, उसमें कुछ नहीं आया जी। तो बड़ा रहस्यमय ऐसा मामला है, इसके बारे में कुछ भी कहना मतलब हाँ, जल्दबाजी होगी। लेकिन आज आपने फोन किया तो फायर ब्रिगेड आई, तो कुछ बचाव हो पाया? देखो बचाव तो इतना ही हुआ है कि उसने आग बुझा दी, तब तक आग अपना लगभग काम कर चुकी थी, क्योंकि आधा पौना एक घंटा तो फायर ब्रिगेड भी लेती है पहुंचने में। तो पुलिस को, प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे, मतलब इसकी तह तक जाके इस मामले को? देखो इसकी तह तक जाना चाहिए, और अगर दोबारा एक भी हरकत होती है तो मैं तो ये कहूंगा भाई 2 कॉन्स्टेबल यहाँ होने चाहिए जो 2-3 दिन यहाँ ड्यूटी दें, ताकि पता चले भाई वाकई में कुछ है इस तरह का, अगर दोबारा ऐसा होता है कुछ भी जी। कितने लोगों का परिवार है ये, मतलब जो इतनी तकलीफ? ये मेरे ख्याल 4-5 बंदे हैं, ये 4 लोगों का हाँ, परिवार है, और छोटा परिवार है, और कोई बिना लड़ाई झगड़ेगा, पूरे गांव में हमने कोई झगड़ा नहीं सुना इनका किसी के साथ होया हो, लेकिन फिर भी इनके साथ इतनी देर हाँ, ये घटना घटी है, उनकी आंख में आंसू थे, मतलब बिल्कुल। देखो जिसके साथ इस तरह की घटना घटती है वो उसी को पता है बाज आना चाहिए। देखो बाज तो आना ही चाहिए, मैं तो नहीं कहूँ इस तरह के व्यक्ति को, तो कोशिश करो अगर वो पकड़ में आ जाए, ताकि क्योंकि इससे अंधविश्वास को भी बढ़ावा मिलता है। एक आदमी बड़ी सावधानी से अगर किसी क्रिया को अंजाम दे रहा है और वो पकड़ में नहीं आता है, तो लोग आम आदमी तो यही सोचेगा भाई तंत्र मंत्र टोना टोटका जो भी है, मतलब इससे अंधविश्वास को भी बढ़ावा मिलता है, समाज में गलत संदेश जाता है। तो क्या परिवार को अब सरपंच होने के नाते क्या आश्वस्त करते हैं कि आप किस तरीके से इनके साथ खड़े हो? देखो हम तो इतना आश्वस्त करेंगे, आज तो मैं सोनीपत था इसलिए देर से पहुंच पाया, बाकी एक फोन कॉल में तुरंत पहुंचेंगे, और 1-2 सिलेंडर मेरे पास रखे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और दूसरे जो, क्योंकि केमिकल की जो आग है वो पानी से कंट्रोल करनी बड़ी मुश्किल है, लगभग होती नहीं जी। तो वे 1-2 सिलेंडर भी ये बल्कि लिया होगा एक भाई मेरे पास से जा गए और रख लेंगे यहाँ, ताकि एकदम इमरजेंसी होते हैं वह बुझाई जा सका। तो दर्शकों ये आपने देखा यहाँ कासंडी गांव के अंदर ये कितनी विचित्र सी एक घटना हो रही है, यहाँ नींबू पाए जाते हैं उसमें सींक लगी होती है 4, इनका जब ये आटा गूंथते हैं तो उसके ऊपर जो है कि इंसान का चेहरा बन जाता है, इनके जो बेटा है उनकी जो मार्कशीट है वो जल जाती है, और इनके सारे कपड़े यहाँ इस परिवार के सारे बिस्तर इनके परिवार के सारा गेहूँ इस परिवार का जल चुका है। मैं एक मार्मिक सी अपील भी आप लोगों को करना चाहूंगा कि
कासंडी के इस परिवार, जो चार लोगों का परिवार है, सरपंच साहब भी हमारे साथ खड़े हैं, ये भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आमजन से भी मैं अपेक्षा करता हूं कि वो लोग यहां आके इनके हालात को समझें और इनकी सहायता भी करें। यहां सीसीटीवी कैमरा कोई बड़ी ज्यादा पैसे की कीमत का नहीं होता है, वो भी लगवा सकते हैं यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आके। आर्थिक रूप से भी सहायता इस परिवार की जा सकती है, सरकार से भी हम बात करेंगे कि सरकार भी इस परिवार की सहायता करें। लेकिन ये विचित्र सी घटना हमें भी हतप्रभ कर रही है कि ऐसा भी इस आधुनिक समय में हो सकता है। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देंगे, लेकिन यहाँ की जो घटनाएं हैं वो हमें मजबूर कर रही हैं इस तरीके की कि तांत्रिक विद्याएं भी कोई चीज होती हैं जिसके कारण ऐसी घटनाएं घट रही हैं। लेकिन हम अंधविश्वास को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देंगे, लेकिन इस परिवार की जो कठिनाई, जो समस्या यहाँ हमने देखी है, यहाँ फायर ब्रिगेड ने आके जो है इस आग को बुझाया है, लेकिन इस परिवार का जो जरूरत का सामान था वो सारा जल चुका है। परिवार बहुत ज्यादा दुखी है। अगर कोई व्यक्ति भी इस तरह का कार्य करता है तो उसको इस बारे में समझना चाहिए कि अपराध करने वाले से मतलब कानून के हाथ दूर नहीं है, वो कभी ना कभी पकड़ में जरूर आएगा। इस तरह की स्थिति से बाज जाना चाहिए। जगत महन न्यूज का भी मानना है कि मामला पेचीदगी भरा है। हम अंधविश्वास में भरोसा नहीं करते और ना ही इसका समर्थन करते हैं, लेकिन जिस प्रकार की घटना सामने आ रही है वह सोचने को मजबूर जरूर कर रही है। असल वजह मामले का पटाक्षेप होने के बाद ही पता चलेगी कि कोई तंत्र विद्या है या फिर किसी की साजिश। लेकिन परिवार को काफी नुकसान हुआ है, इसलिए जगत महन न्यूज उन समाज सेवी लोगों से प्रार्थना जरूर करता है जो हमेशा पीड़ितों की सहायता करते आए हैं। खबर में दिखाए जा रहे नंबर पर बात कर आप पीड़ितों की सहायता जरूर करें। जगत महन न्यूज के लिए तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।